आज हमारा ये दूसरा सेशन है कंप्यूटेशनल ग्रामर का, और आज हमें सात डिफरेंट सेंटेंसेस को एनोटेट करके देखना है कि यूनिवर्सल डिपेंडेंसी पार्ट में इसे किस तरह से एनोटेट किया जा सकता है। तो बैकग्राउंड स्टार्ट करने से पहले हम देख लें कि यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं। लास्ट टाइम हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंटैक्स रिप्रेजेंटेशन देखी थी, और उसमें से हमने कहा था कि इस वक्त का डी फैक्टो स्टैंडर्ड जो खासतौर पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो रहा है और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में इस्तेमाल हो रहा है वो यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज है, इसलिए हमें इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज एक फ्रेमवर्क है ग्रामर एनोटेशन का, और इसमें तकरीबन 90 लैंग्वेजेस के लिए 150 ट्री बैंक्स अवेलेबल हैं, और यही इसकी सबसे ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है कि इसमें बहुत ज्यादा काम हो चुका है और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस ने इस स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है उस लैंग्वेज में, और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के लिए इसके ट्री बैंक्स बन गए हैं। अच्छा, यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं ये भी हम थोड़ा सा देख चुके हैं कि आप यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज में होता यह है कि वर्ड्स के दरमियान रिलेशन शो किया जाता है। तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स होते हैं एक सेंटेंस में, जैसे जॉन ईट बर्गर। तो अब जॉन और ईट में क्या रिलेशन है और ईट और बर्गर में क्या रिलेशन है, इन रिलेशंस को डिपेंडेंसी रिलेशंस कहते हैं। और वो रिलेशन सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, और दूसरी चीजें हो सकती है। तो यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज में ये रिलेशंस वेल डिफाइंड पहले से मौजूद हैं कि आपको इनमें से कोई ना कोई इस्तेमाल करना है। तो आज हम इनमें से तीन चार देखेंगे कौन कि इन्हें किस तरह से हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के एनोटेशन के लिए। अच्छा, यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज के कॉर्पस उर्दू के लिए अवेलेबल है। आप universaldependencies.org की वेबसाइट पे जाएं, वहां पर आपको उर्दू कॉर्पस, सिंधी कॉर्पस दोनों मिलेंगे जो एनोटेटेड हैं। तो उर्दू कॉर्पस ये मौजूद है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं चीजें। तो बाद में अगर आपको देखना हो, मजीद सीखना हो, तो इन 6-7 एग्जाम्पल्स या 10 एग्जाम्पल जो हम इस सेशन में करते हैं उसके अलावा आप इन कॉर्पस में एनोटेटेड एग्जाम्पल को जाके देख सकते हैं। सिंधी के लिए काम हुआ है, और इसको जो स्क्रॉल करके देखा है मैंने, उसमें नाउन लेमा अवेलेबल है, पार्ट ऑफ स्पीच अवेलेबल है, कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी अवेलेबल हैं। रिलेशंस अभी डालने बाकी हैं, समय जो सामने कुछ एग्जांपल्स आई हैं उनमें अभी रिलेशंस ऐड करने बाकी हैं। उसके बाद कॉनल फॉर्मेट डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर जब भी बनता है, हम समझने के लिए उसे कागज पेपर पर वर्ड्स लिखते हैं, उनके दरमियान में आर्क्स बनाते हैं, उनके दरमियान में लाइंस ड्रॉ करते हैं, और उससे डिपेंडेंसी रिलेशन बनता है। लेकिन कंप्यूटर उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आसानी से यूज नहीं कर सकता, उसे टेबुलर फॉर्म में रिजल्ट चाहिए। तो अगर आप डिपेंडेंसी रिलेशन को नोटपैड में या किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में, सिंपल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में ओपन करना चाहते हैं और उसमें क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये वो किस तरह से करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मेट है कॉर्नेल कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग, एक कॉन्फ्रेंस है, उसने ये फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करवाया है। तो उसमें हम ये कहते हैं कि हम वर्ड के मुतालिक, उस वर्ड की आईडी क्या है, पहला वर्ड है सेंटेंस का, दूसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड है, वर्ड खुद क्या है, उसका लेमा या रूट वर्ड क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, और फिर डिपेंडेंसीज की इंफॉर्मेशन होती है। एक एग्जांपल देख लें, और आज हम इसी तरह की एग्जांपल्स देखेंगे कि और हाथ से बनाने की कोशिश करेंगे कि हम डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर नोटपैड में या अभी हम देखेंगे एक्सेल में किस तरह से बना सकते हैं। तो पहला कॉलम में वर्ड आईडीज है, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड। दूसरे कॉलम में वर्ड्स हैं, जहीन, लड़कियां। तीसरे कॉलम में उनके रूट वर्ड्स हैं, तो लड़कियां का रूट वर्ड लड़की है, किताबें का रूट वर्ड किताब है, पढ़ें का रूट वर्ड पढ़ है। नेक्स्ट कॉलम में यूनिवर्सल पार्ट ऑफ स्पीच है। यूनिवर्सल पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ये यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज ने स्टैंडर्डाइज्ड लिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच बता दी है कि दुनिया में
जो भी किसी लैंग्वेज के पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग करना चाहता है वो इन पार्ट ऑफ स्पीच को यूज करे। तो ये कि दुनिया की सारी चीज़ें जिससे लास्ट टाइम बात हुई थी कि जो मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं वो एक कंसिस्टेंट वे में काम करें, उसके लिए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, यूनिवर्सल पार्ट ऑफ स्पीच और यूनिवर्सल डिपेंडेंसी। अच्छा, हो सकता है कि आपने अपनी लैंग्वेज में पहले से कोई पार्ट ऑफ स्पीच टैगर बना के रखा हुआ हो और टैगिंग स्कीम बना के रखी हुई हो। तो दूसरा कॉलम XPOS उसके लिए है कि आपके लैंग्वेज स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग स्कीम है उसमें भी रिप्रेजेंट करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स का है, अभी जगह ज़्यादा ना घिर जाए इस वजह से उसे खाली छोड़ दिया है। उसके बाद फिर हम आते हैं कि कौन सा वर्ड किस पर डिपेंड कर रहा है। ज़हीन जो है वो डिपेंड कर रहा है लड़कियां पर, क्योंकि वो ज़हीन का एडजेक्टिव मॉडिफायर है। तो ज़हीन के सामने टू लिखा हुआ और वो वर्ड आईडी है, और आप आगे जाके अगर देखें तो टू लड़कियों लड़कियों की रॉ की आईडी है। अच्छा, लड़कियां जो है वो डिपेंड है कर रहे हैं सिक्स पर। सिक्स क्या है, अगर आप सेकेंड लास्ट रॉ देखें तो पढ़ें, तो ये सिक्स का रिलेशन है। और क्या रिलेशन इन दोनों में, सब्जेक्ट का। क्या यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज में आएंगे तो एंड सब्जेक्ट कहेंगे, नॉमिनल सब्जेक्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये सेंटेंस हमने फ्लोट किए थे कि हम इनको डिस्कस करेंगे, तो इन्हें वन बाय वन डिस्कस करना शुरू करते हैं। लड़का किताब पढ़ता है, अच्छा ये कहाँ डिस्कस हो सकता है? इसे हम लिख सकते हैं नोटपैड में, जैसे अभी आपको पहली एग्जांपल दिखाई थी, इसमें ये नोटपैड में लिखा हुआ है, और हर वर्ड या हर टोकन लिखने के बाद इस पे के बाद टैब डाला है, वन के बाद टैब ज़हीन, फिर टैब ज़हीन, फिर टैब एडजेक्टिव, फिर टैब टैब एडजेक्टिव एंड सो ऑन। तो ये टैब सेपरेटेड वैल्यूज रखी हुई हैं। तो चाहें तो आप नोटपैड में ही बना लें इस तरह से, चाहें तो एक और इसकी अच्छी स्कीम है कि हम इसे यहाँ पे इस्तेमाल करना शुरू कर दें एक्सेल में, एक्सेल या एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर्स में। इसमें यह है कि हम कॉलम समय बने बनाए मिलेंगे और बाद में हम इससे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या इसे सेव कर सकते हैं टैब्स सेपरेटेड वैल्यूज की फॉर्म में, TSV फॉर्म में, और उसे फिर किसी और जगह पे डिलीट कर सकते हैं। तो लड़का किताब क्या एग्जाम्पल है, लड़का किताब पढ़ता है। इस एग्जाम्पल को हम स्टार्ट करते हैं और फ्रॉम, ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन था सेंटेंस, लड़का किताब पढ़ता है। हमने एक रॉ में एक वर्ड लिखना शुरू कर दिया और वर्ड से पहले उसकी आईडी दे दी कि लड़का पहला वर्ड है, किताब दूसरा वर्ड है, पढ़ता तीसरा वर्ड है। अब इसके बाद हमें इनकी रूट फॉर्म भी लिखनी है। तो रूट फॉर्म क्या होगी, लड़का का रूट फॉर्म लड़का ही है, किताब का रूट फॉर्म किताब है, पढ़ता का रूट फॉर्म पढ़ता, पढ़ती, पढ़ना, पढ़ो, इन सब के रूट फॉर्म जो है वो पढ़ होगा। है का रूट फॉर्म है ही रहेगा और फुल स्टॉप का रूट फॉर्म फुल स्टॉप ही है। पार्ट ऑफ स्पीच इनके क्या है, यूनिवर्सल पार्ट ऑफ स्पीच, लड़का एक नाउन है, किताब एक नाउन है, पढ़ एक वर्ब है एक ऑक्सिलरी है, और ये पंक्चुएशन है। XPOS लिख सकते हैं लेकिन अभी इसको अंडरस्कोर लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने एक तरह की नल वैल्यू इंट्रोड्यूस करवा दी, अभी हम इसे डिफाइन नहीं कर रहे। तो एक्सपोज और फीचर्स की वैल्यू नहीं दी ताकि हम एक चीज पे फोकस कर सकें। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसूलन होने चाहिए, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा ध्यान पर उस तरफ चला जाएगा। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स नहीं लिखे। अब आ जाते हैं कि डिपेंडेंसीज की बात क्या होगी। तो यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज में या जनरली डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स में वर्ड्स का वर्ड्स के साथ रिलेशन बताया जाता है। तो पहली बात जो हमें देखनी होती है कि
इस सेंटेंस का रूट क्या है। नॉर्मली सेंटेंस या क्लॉज का रूट एक वर्ब होता है। इसके आगे चल के एग्जाम्पल आएंगे कि वर्ब के अलावा क्या चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द केसेस ये वर्ब होता है। वर्ब होता है तो हम लिख देंगे कि ये जो वर्ब है ये रूट है, ये सेंटेंस का एक तरह से बेस है और ये खुद किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसके साथ जीरो आ गया। और डिपेंडेंसी रिलेशन इसका क्या है, रूट, कि ये खुद एक रूट है। मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरी चीज और क्या होगी, अब दूसरे वर्ड्स, इनमें से अक्सर वर्ड्स इस रूट के साथ रिलेटेड होंगे। तो हम पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किसका क्या क्या रिलेशन मौजूद है। लड़का पढ़ता का वर्ब का सब्जेक्ट है, तो हम ये कहेंगे कि लड़का और डिपेंडेंट है पढ़ता पर। पढ़ता अगर लाइन नंबर थ्री है तो हमने थ्री लिख दिया, ये देख लेंगे पढ़ता थ्री है, तो ये हेड हमने थ्री रख दिया कि लड़का का हेड जो है वो थ्री है। और ये टाइप कौन सी है, वो नॉमिनल सब्जेक्ट है, एन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स और भी हो सकते हैं, जैसे क्लॉजल सब्जेक्ट की बात होती है, सिगरेट पीना बुरी बात है, तो उसमें सिगरेट पीना सब्जेक्ट है लेकिन वो क्लॉजल सब्जेक्ट है। ये यहाँ पे नाउन है और ये इस वजह से इसे नॉमिनल सब्जेक्ट कह रहे हैं। तो दो किस्म के सब्जेक्ट है, नॉमिनल सब्जेक्ट, क्लॉजल सब्जेक्ट, और फिर शायद एक और चीज आती है, नॉमिनल सब्जेक्ट इन पैसिव फॉर्म, इन पैसिव सेंटेंस। इसी तरह से किताब, अब किताब क्या होगा, किताब भी डिपेंड कर रहा है थ्री पर, पढ़ता पर, यानी किताब का रिलेशन भी पढ़ता के साथ है और किताब पढ़ता का ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से ऑक्सिलरी है, एक ऑक्सिलरी है और ये भी पढ़ता के साथ ही अटैच है, तो ये भी नंबर थ्री से है और इन दोनों के दरमियान में ऑक्सिलरी रिलेशन है। फुल स्टॉप भी रूट के साथ हमेशा, पंक्चुएशन जो आखिर में आ रही होती है वो नॉर्मली रूट के साथ अटैच होती है और इस रिलेशन का नाम पंक्चुएशन है। फिर तो ये हमने बना लिया, बनाया ये इस तरह से जाएगा, लेकिन इसे यूज करना है तो इसके यूज करने का तरीका, अब यहां पर आ जाए हमारी, अब क्या ये सही बना है गलत बना है, इंसान नॉर्मली टेबल्स को इतनी तरह से आसानी से नहीं समझ सकते जिस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या पिक्चर रिप्रेजेंटेशन को समझ सकते हैं, तो कंप्यूटर के लिए तो हमने वो बना दिया। अब इसे व्यू करना है, व्यू करने के लिए ये टूल अवेलेबल है ऑनलाइन, इस पर क्लिक किया और क्लिक करके कोई फाइल भी चूज कर सकते हैं, थोड़ी देर में हम फाइल भी चूज करेंगे। अभी मैं ये कर रहा हूं कि जो कुछ हमने लिखा था उसको लिख सकें, इससे पहले आपको इनको भी अंडरस्कोर डालना पड़ेगा। आखिरी दो कॉलम्स डिपेंडेंसी, कुछ इनहांस डिपेंडेंसी और मिसलिनियस फीचर्स के लिए रखे हुए हैं, मिसलिनियस एनोटेशन, आप किसी और टाइप्स की एनोटेशन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे रख दें, लेकिन अभी हमारा यूनिवर्सल डिपेंडेंसी में जो कॉलम्स मोस्ट रेलेवेंट थे समझने के लिए वो मैंने फिल कर दिया, बाकियों को खाली छोड़ दिया। इसको कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आप चाहें तो टाइप से, हाथ से भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन हाथ से टाइप करने में हो सकता है फॉर्मेटिंग में आपसे टाइप कमी कम ज्यादा लग जाए, तो एक्सेल में डील करना ज्यादा बेहतर है। आगे चल के हम देखेंगे कि कौन से कोई एनोटेशन टूल्स अवेलेबल हैं, कुछ पहली पिछले सेशन की स्लाइड्स में भी उनका नाम था, और क्या उनकी मदद से तेज एनोटेशन हो सकती है, ये हमने बता दिया। और अब इसे अगर हम डिस्प्ले करना चाहें तो सबमिट,
ये आपके पास सब आ गया। तो देख लें, पढ़ता रूट है और रूट के साथ अटैच है। पढ़ता का सब्जेक्ट नॉमिनल सब्जेक्ट नाउ लड़का है, पढ़ता का नॉमिनल ऑब्जेक्ट किताब है, पढ़ता का नॉमिनल ऑब्जेक्ट नहीं खाली ऑब्जेक्ट किताब है। ऑक्सिलरी पढ़ता के साथ है अटैच है और पंक्चुएशन फुल स्टॉप अटैच है। तो ये चीज नजर आ गई और देखने में हमें समझ में आ सकता है कि हमने सही एनोटेशन की है या कुछ गलत कर दिया है। अब वापस आ जाते हैं। तो पहली एग्जाम्पल हो गई थी, अब हम आ जाते हैं दूसरी एग्जाम्पल पर। तो लड़का पढ़ता है किताब पढ़ता है हो गया और इसकी ये एग्जाम्पल भी आ गई। लड़की ने किताब पढ़ी, ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में भी खास बात होगी कि पढ़ी रूट है, पढ़ी का सब्जेक्ट लड़की है नॉमिनल सब्जेक्ट, पढ़ी का ऑब्जेक्ट किताब है और पढ़ी के साथ पंक्चुएशन मार्क जो अटैच है वो डैश या फुल स्टॉप है। एक और चीज है, इसमें लड़की ने लिखा हुआ है, तो ये ने को पर तक वगैरह ये पोस्ट पोजिशन कहलाते हैं। इंग्लिश में प्री पोजिशंस होते हैं ऑफ फ्रॉम, क्योंकि वो नाउन से पहले आते हैं। अगर मैं लिखूं फ्रॉम कराची तो कराची से पहले फ्रॉम आया है, लेकिन अगर मैं कहूँ कराची से तो से जो है वो कराची के बाद आ रहा है। तो उर्दू में और बहुत सारी जबानों में पोस्ट पोजिशन होते हैं, बहुत सारी जबानों में प्री पोजिशन होते हैं। इनका सोल्यूशन, यूनिवर्सल डिपेंडेंसी वालों का सोल्यूशन ये है कि इन दोनों को मिलाकर इसने एट पोजिशन कहा है, चाहे वो प्री पोजिशन हो चाहे वो पोस्ट पोजिशन। तो हम प्री पोजिशन पोस्ट, जो पोस्ट पोजिशन या केस मार्कर्स अटैच होते हैं नाउन के साथ, उनका नाउन के साथ केस रिलेशन होता है। तो हमने ये केस रिलेशन बना दिया लड़की ने। नेक्स्ट सेशन में हम उर्दू में मेजर केस मार्कर्स कौन से हैं और किन किस तरह से इस्तेमाल होते हैं वो डिस्कस कर लेंगे। लड़की ने किताब पढ़ी, अच्छा, इसका भी अगर आप चाहें तो इसे कंपेयर करना चाहें तो ये देख सकते हैं कि आपके पास क्या चीज अवेलेबल है। लड़की लेमा लड़की है, नाउन है और ये डिपेंडेंट है सब, ये सब्जेक्ट है नंबर फोर की। नंबर फोर क्या है, लाइन नंबर फोर पे आए, वो पढ़ी है। ने जो है एट पोजिशन है, ये डिपेंडेंट है वन पर और ये वन का केस है, यानी लड़की का केस है, केस मार्कर है लड़की के साथ अटैच। किताब फिर नाउन है, फोर से अटैच है और ये फोर का ऑब्जेक्ट है, एंड सो ऑन। तो ये हमने फिल किया और इसी तरह से व्यू किया तो हमारे पास ये व्यू मिल गया। तो ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स, उर्दू में किताब पढ़ी, पढ़ना लिखना चलना फिरना उठना बैठना, इस तरह के वर्ब्स बहुत कम हैं, मुश्किल से हजार वर्ब्स बनते हैं। ज्यादातर जब हम बात करते हैं तो एक्शंस की या इवेंट्स को हम इस तरह से एक्सप्लेन, इस तरह से डिस्क्राइब करते होते हैं कि लड़के ने सबक याद किया, लड़की ने मेज साफ किया। तो हम याद करना, साफ करना, इंतजार करना, इनको प्रेडिकेट्स की फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये दो लफ्ज मिलके बताते हैं, यानी हम ये नहीं कहते कि करना एक वर्ब है, बल्कि हम ये कहते हैं कि याद करना एक चीज है और ये इवेंट है या ये एक्शन है जो परफॉर्म हो रहा है। तो अब लड़के ने सबक याद किया और लड़की ने मेज साफ की, इस किस्म के सेंटेंसेस किस तरह से डील होंगे। और अगर वैसे आप रेंडमली सोचना शुरू करें तो शायद आपको ज्यादा एग्जाम्पल्स उर्दू में इन सेंटेंसेस की मिले जिसमें ये कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट इस्तेमाल होते हैं, यानी वर्ब जैसे मायने एक वर्ड नहीं दे रहा बल्कि एक से ज्यादा वर्ड्स दे रहे हैं। प्रेडिकेट जनरली क्या होता है, प्रेडिकेट होता है कि किसी सेंटेंस के या किसी फ्रेज के बाकी एलिमेंट्स किस हेड पर डिपेंड कर रहे हैं, तो वो एक तरह से हेड होता है। अगर हम सेंटेंस लें तो सेंटेंस का एक हेड प्रेडिकेट होता है,
नॉर्मली वो वर्ब होता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि वर्ब के साथ उसमें और क्या चीजें आ सकती हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट के एक से ज्यादा मायने होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट एक से ज्यादा फिनोमेना को कहते हैं। मैंने एक पेपर रेफर कर दिया है जिसमें उर्दू के कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट का एक बैंक बनाया गया था, यानी उसमें उसकी एग्जाम्पल्स रखी गई थी। तो उसमें कई एग्जाम्पल्स हैं जैसे वर्ब प्लस वर्ब कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट होते हैं। गाड़ी चल पड़ी, तो चल पड़ी एक वर्ब प्लस वर्ब कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट है। इसी तरीके से कॉजेटिव जो है, पढ़ना से पढ़वाना और पढ़वाता या पढ़ाना, ये भी कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट्स कहलाते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट्स के पेपर पे आप क्लिक करें और यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। इस वक्त हमारा उनमें से सिर्फ एक पर या इस पेपर में दो टाइप्स बताई गई हैं, उन पे है कि नाउन प्लस वर्ब कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट और एडजेक्टिव प्लस वर्ब कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट। इसके अलावा एक दो एग्जांपल्स पोस्ट पोजिशनल फ्रेज प्लस वर्ब कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट्स की भी हैं, लेकिन मेजरली हम इन दो को डील कर रहे हैं कि नाउन और वर्ब मिलकर एक प्रेडिकेट बना रहे हैं और एडजेक्टिव और वर्ब मिलकर एक प्रेडिकेट बना रहे हैं। तो लड़के ने सबक याद किया, इसमें याद किया एक इवेंट को बता रहा है, और वो याद करना अब देखते हैं आगे चल के कि इस याद करने को हम किस तरह से डील कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में लड़के ने सबक याद किया में आपका सब्जेक्ट लड़के है, नॉमिनल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का केस ने है, जिस तरह से पिछले एग्जाम्पल में था। ऑब्जेक्ट इसका सबक है। अच्छा, ये दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अटैच हैं वर्ब किया से। लड़के ने सबक याद किया तो वर्ब करना से ये अटैच है। अब याद का क्या होगा, तो याद और करना के दरमियान में कंपाउंड रिलेशन है। तो हम ये कह रहे हैं कि वर्ब जो है वो एक तरह से कंपाउंड है, और उसके साथ कंपाउंड का जो दूसरा कंपोनेंट है वो याद है। तो याद करना एक पूरा कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट हो गया, जिसका सब्जेक्ट लड़के है, जिसका ऑब्जेक्ट सबक है। और हमें जहां पे भी नाउन प्लस वर्ब या एडजेक्टिव प्लस वर्ब कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट डिफाइन करना होगा, हम सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को अटैच करेंगे वर्ब के साथ, और वर्ब के साथ वर्ब का कंपाउंड बनेगा या तो नाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ। मैं ये नहीं कहता कि ये बेस्ट सोल्यूशन है, लेकिन उर्दू डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स बनाने वालों ने ये सोल्यूशन दिया है। और आपको उर्दू का कॉर्पस अगर आप देखेंगे या उस कॉर्पस पर ट्रेन पार्सल को देखेंगे तो उसमें आपको ये सोल्यूशन मिलेगा। इसी तरह से फिर दूसरी एग्जाम्पल पे आ जाए, लड़की ने मेज साफ की। यहाँ पे साफ करना कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट है जो मिलकर एक मायने दे रहा है। तो साफ करना की रूट है, की जिसकी रूट फॉर्म जिसका लेमा करना है वो रूट है, उसके साथ कंपाउंड में है एडजेक्टिव साफ। तो एडजेक्टिव साफ और वर्ब करना मिलकर एक कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट बना रहे हैं। इसका नॉमिनल सब्जेक्ट लड़की है, इसका ऑब्जेक्ट मेज है, और बाकी वैसे ही के पंक्चुएशन मार्कर। तो लड़की ने मेज साफ की इस तरह से। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट्स मिले तो आपको वर्ब को रूट बनाना है और उसका नाउन पार्ट या एडजेक्टिव पार्ट को उसका वर्ब के साथ कंपाउंड रिलेशन में रख देना है, और बाकी सारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और आगे जाके ऑब्लिक वगैरह जो आएंगे वो वर्ब के साथ अटैच होंगे। अच्छा, लड़की जहीन है। लड़की जहीन है और लड़का घर पर है, ये दो चीजें हैं। इन सेंटेंसेस में देखें, इन सेंटेंसेस को अगर हम देखें तो हमें इसमें वर्ब कौन सा नजर आता है। पहली नजर में नजर आ रहा है कि है, तो हम शायद ये कहें कि है मेन वर्ब है, उसका सब्जेक्ट लड़की है और उसका जहीन उसके साथ। अगर बिल्कुल किसी बैकग्राउंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से बगैर आएंगे तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट है, वरना हम कहेंगे कि कोई ना कोई रिलेशन है।
लेकिन इस किस्म के सेंटेंसेस को इस तरह से मॉडल नहीं किया जाता, क्योंकि वर्ब्स में अगर आप ये कहें कि लड़की ने किताब पढ़ी, तो लड़की एक एक्शन परफॉर्म कर रही है और किताब एक थीम है जिस पे वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, लड़की किताब पढ़ रही है। लड़की ने ग्लास तोड़ा, लड़की एक एजेंट है जो एक्शन परफॉर्म कर रही है और ग्लास एक पेशेंट है जिस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो नॉर्मली रिलेशन वर्ब्स में आप इवेंट्स बता रहे होते हैं कि एजेंट एक पेशेंट के थीम पर एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। यहाँ देखें इसमें ये रिलेशन नहीं है, यहाँ पर लड़की और जहीन के दरमियान में एट्रीब्यूट का रिलेशन है कि जहीन लड़की की एक प्रॉपर्टी है। लड़का घर पर है तो वो घर पर होना लड़के का एट्रीब्यूट है कि उसकी लोकेशन इस वक्त क्या है। तो ये दो वर्ड्स के दरमियान में रिलेशन है, ये नहीं है कि एक वर्ड दूसरे वर्ड पर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, बल्कि एक ही वर्ड के एक वर्ड है सब्जेक्ट और उसका कोई ना कोई एट्रीब्यूट बता रहे हैं। इस किस्म के सेंटेंसेस को मॉडल करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन टर्म यूज होती है उसे कॉपुला कहते हैं या कॉपुलर वर्ब्स कहते हैं। कॉपुला इज द रिलेशन ऑफ फंक्शन वर्ड यूज टू लिंक अ सब्जेक्ट टू अ नॉन वर्बल प्रेडिकेट। तो अक्सर सब्जेक्ट और नॉन वर्बल प्रेडिकेट, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट, बिल इज ऑनेस्ट में बिल और ऑनेस्ट के दरमियान में रिलेशन मौजूद है। अच्छा, इस रिलेशन को नॉर्मली इस केस में हम कहते हैं कि प्रेडिकेट हमारा वर्ब नहीं है बल्कि एडजेक्टिव ऑनेस्ट है, जो एट्रीब्यूट है ऑनेस्ट है। अभी मैंने पहले कहा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रेडिकेट या रूट लेते हैं वर्ब को, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। तो बिल इज ऑनेस्ट में हम कहते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज ऑनेस्ट है, और कौन ऑनेस्ट है, बिल ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट रूट हो गया और उसका सब्जेक्ट बिल है। फिर इन दोनों को लिंक जो कर रहा है वो कॉपुलर वर्ब है और बिल इज ऑनेस्ट। तो इज और ऑनेस्ट के दरमियान में कॉपुलर रिलेशन मौजूद है। अच्छा, कॉपुलर, तो ये कॉपुलर कंस्ट्रक्शन मुख्तलिफ होती हैं नॉर्मल वर्ब कंस्ट्रक्शन से, जो कैनोनिकल वर्ब कंस्ट्रक्शन होती है। अच्छा, मैंने वर्ब्स को ब्रैकेट में लिखा है और उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि बहुत सी जबानें ऐसी हैं जिसमें कॉपुलर वर्ब इस्तेमाल ही नहीं होता या अक्सर में प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अरबी में कॉपुलर वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। अगर मैं ये कहूँ कि मैं तफसीर हूँ, तो अरबी में मैं की जगह अना कहूँगा और तफसीर की जगह तफसीर होगा, तो अना तफसीर काफ़ी है, उसके लिए है को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में कॉपुला मौजूद ही नहीं होता, और यहाँ से ज़्यादा मोटिवेशन मिली है कि असल चीज़ रूट जो है वो कॉपुला वर्ब नहीं है, बल्कि असल रूट जो है वो एट्रीब्यूट है। अब इन्हें मॉडल किस तरह से करेंगे, मॉडल लड़की जहीन है पे आ जाएं। रूट अभी अगर आप पिछली एग्जाम्पल्स देखें तो पिछली एग्जाम्पल्स में वर्ब रूट होता था। पहले पिछले चार सेंटेंस की एग्जाम्पल आप देख लें, उसमें पढ़ना या करना वो रूट होता था। कॉपुलर सेंटेंसेस में आपके पास रूट जो आएगा वो एडजेक्टिव होगा या लोकेशन वाला नाउन होगा, एडजेक्टिव या नाउन्स रूट होंगे। जहीन रूट है, जहीन का सब्जेक्ट लड़की है और जहीन का कॉपुलर वर्ब ऑक्सिलरी, जहीन के साथ जो कॉपुलर वर्ब अटैच है वो है और पंक्चुएशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसमें जहीन एज अ रूट है और उसका सब्जेक्ट लड़की है, और है जो है जो इस सेंटेंस का वाहिद वर्ड है वो कॉपुला है एक खाली, वो उसका रिलेशन रूट जहीन के साथ कॉपुला है। एक टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, इसको एडजेक्टिव होना चाहिए था जहीन को, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन लिखी हुई है वो गलत है, इसे एडिट कर दूंगा बाद में मैं। तो अगर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन, इसे हम रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, लड़की का लेमा लड़की है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, हेड इसका वर्ड नंबर टू है, वर्ड नंबर टू जहीन है, एंड नॉमिनल
और ये नॉमिनल सब्जेक्ट है ज़हीन का। ज़हीन रूट है, है जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है और ये कॉपुला रिलेशन बना रहा है रूट ज़हीन के साथ। ऊपर फर्स्ट लाइन में आईडी के नीचे और वन से ऊपर अगर आप देखें तो हैशटैग सी टू लड़की ज़हीन है लिखा हुआ है। हैश लगाकर हम कमेंट्स लिख सकते हैं, तो कमेंट्स में हम ये बता सकते हैं कि टेक्स्ट कौन सा था, कमेंट में हम ये बता सकते हैं कि सेंटेंस आईडी, बहुत बड़ा हम डेटा सेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेंटेंस आईडी 01, सेंटेंस आईडी 02 वगैरह, या और कोई कमेंट हम लिखना चाहें तो हैश के बाद लिख सकते हैं और फिर व्यूअर या प्रोसेसर उसे प्रोसेस नहीं करते, वो ये कहते हैं कि ये टेबल के पार्ट नहीं है बल्कि ये सिर्फ कमेंट के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल पे आ जाए, लड़का घर पर है। लड़का घर पर है, इसमें भी लड़के का रिलेशन बताया गया है, लड़के की लोकेशन क्या है। तो लोकेशन रूट है और उसका सब्जेक्ट लड़का होगा, तो हमारे पास जो लोकेशन है घर वो रूट बन गया और उसका सब्जेक्ट लड़का है। और फिर वही के घर पर जो है वो एट पोजिशन है जो नाउन के साथ अटैच है और इन दोनों के दरमियान में केस रिलेशन है। तो रूट इस घर जो है वो घर का सब्जेक्ट लड़का है, यानी कौन घर पर है, लड़का घर पर है, और घर के साथ केस मार्कर क्या अटैच है, वो पर अटैच है जिसे एट पोजिशन, पार्ट ऑफ स्पीच एट पोजिशन है और रिलेशन डिपेंडेंसी रिलेशन केस है। बाकी वही बात के घर का कॉपुला है, ये हो सकता था लड़का घर पर था तो यहाँ पे था ऑक्सिलरी रिलेशन हो जाता है, या लड़का घर पर होगा तो होगा आ जाता, तो है या कि जितनी भी फॉर्म्स हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वो सब यहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं कि यूनिवर्सल डिपेंडेंसी ने कुछ डेफिनेशंस खुद बताई हुई हैं। मुख्तलिफ लोग जो ग्रामर पे काम कर रहे होते हैं वो एक फिनोमेना की मल्टीपल डेफिनेशन देते हैं, तो एक हमारे पास सवाल ये है कि क्या है, या इंग्लिश का वर्ड बी कह लें, बी का प्रेजेंट इज होता है, पास्ट वाज होता है, फ्यूचर विल होता है, तो है और बी जो है सिर्फ यही कॉपुलर वर्ब्स हैं या कुछ और वर्ब जैसे बिकम है, बिल या गॉट है, बिल गॉट रिच हो गया, या जो मैंने अभी एग्जांपल अगली दी हुई है करने के लिए कि लड़का वकील बन गया, तो अब बनना लड़का वकील इन दोनों के दरमियान में वकील एक तरह से लड़के का प्रोफेशन हो गया, बिल गॉट रिच, रिच एक तरह से बिल का एट्रीब्यूट हो गया, तो इनके दरमियान में तो वैसे ही रिलेशन है, जो बिल अमीर है कहूँ या बिल अमीर हो गया कहूँ, बात तो तक एक जैसी मिलती जुलती लगती है, बिल गॉट रिच और बिल इज रिच एक जैसी बात लगती है, तो क्या गॉट को, सीम को, बिकम को भी कॉपुलर वर्ब समझना चाहिए? तो बहुत सारे ग्रामर ट्रेडिशन में ये इसे कॉपुलर वर्ब्स कहा जाता है। यूनिवर्सल डिपेंडेंसी ने कहा है कि बस हम इसे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे बी पर, बी हो गया या है हो गया ये कॉपुलर वर्ब्स हैं और बाकी सबको हम कॉपुलर वर्ब्स के तौर पर डील नहीं करेंगे, बल्कि हम अगर बिल गॉट रिच आएगा तो हम ये कहेंगे कि गॉट मेन वर्ब है, उसका सब्जेक्ट बिल है और उसका एक्स कॉम्प रिच है। एक्स कॉम्प क्या होता है ये नेक्स्ट सेशन में हम देख लेंगे कि एक्स कॉम्प क्या होता है, यहाँ पर जस्ट बताना ये था कि अक्सर जगहों पर ये लिखा हुआ होता है, कॉपुलर वर्ब्स की लिस्ट होती है तो उसमें से बी वर्ब नहीं होता, है नहीं होता, उसके साथ बनना भी होता है, समझना भी होता है। तो क्या हम यूनिवर्सल डिपेंडेंसी में इस्तेमाल करेंगे? तो यूनिवर्सल डिपेंडेंसी में ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आप इसे सिर्फ बी पे रखें। अच्छा, दूसरा ये कुछ एग्जांपल्स के इज के या बी वर्ब के कितने इस्तेमाल हैं। तो एक एग्जांपल तो हमने देख ली बिल इज रिच में इज जो है वो कॉपुलर रिलेशन में आ जाता है प्रेडिकेट रिच के साथ, बिल इज रिच में। बिल इज स्पीकिंग में ये नॉर्मल ऑक्सिलरी की तरह एक्ट कर रहा होता है, जिस तरह से अभी हमने लड़का की पढ़ता है में देखा था है जिस तरह से एक्ट कर रहा होता था ऑक्सिलरी के तौर पे, और इसके दूसरे एग्जांपल्स भी हैं। तो मुख्तलिफ सिंटैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं वो एक जगह पे जमा है, इसलिए मैंने आपको
यूनिवर्सल डिपेंडेंसी की डॉक्यूमेंटेशन में से देख लिया, वन बाय वन हम इनमें से ये चीजें देखते रहेंगे। लास्ट एग्जाम्पल, फिर लड़का वकील बन गया। लड़का वकील बन गया, लड़का इज, तो इसमें रूट वर्ड, फिर वही हम वर्ब पे वापस आ गए कि बनना रूट है, बन का नॉमिनल सब्जेक्ट लड़का है, बन का एक्सकॉम वकील है, बन का ऑक्सिलरी गया है, ऑक्सिलरी रिलेशन गया के साथ है और पंक्चुएशन रिलेशन फुल स्टॉप के साथ है, तो लड़का वकील बन गया। नेक्स्ट सेशन में, अच्छा ये यूडी यूनिवर्सल डिपेंडेंसी रिकैप हो गया, तो अभी हम अगर देखें तो हमने नॉमिनल सब्जेक्ट देख लिए, ऑब्जेक्ट देख लिया, और उसके बाद जाके हमने अगर लास्ट रॉ में जाके देखें तो कॉपोला, लास्ट कॉलम में जाके देखें तो कॉपोला हमने देख लिया है, और कंपाउंड फर्स्ट कॉलम का जो लास्ट एंट्री है कंपाउंड ये देख लिया। नेक्स्ट दफा हम कोशिश करेंगे कि तीनों कोर आर्गुमेंट नॉमिनल सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और आई ऑब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्लिक, इन चारों को देख लें। अभी आज हमने कुछ चीजें बिल्कुल ऑब्वियस कह के गुजर गए थे कि ये सब लड़का सब्जेक्ट है ऑब्वियस है, किताब ऑब्जेक्ट है ऑब्वियस है, तो अगर कोई सवाल करे कि ये ऑब्वियस कैसे है, इसके कोई टेस्ट होते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम उन टेस्ट को भी देखेंगे। उसके अलावा और देखते हैं कि वर्ब के साथ कौन कौन से रिलेशन अटैच हो सकते हैं, तो अभी हम सेंटेंस ले रहे हैं, सेंटेंस की सिंपलेस्ट फॉर्म ले रहे हैं और सेंटेंस में वर्ब के साथ कौन कौन से रिलेशन अटैच हो सकते हैं वो देख रहे हैं। उस नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में फिर हम नाउन फ्रेज को डिटेल में देखेंगे कि नाउन के साथ लड़का के साथ हो सकता था अच्छा लड़का हो जाता, किताब के साथ अच्छी किताब हो सकता या दो अच्छी किताबें, दो मालूमाती किताबें, तो नाउन फ्रेज में क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। इसी वजह से अभी हमारे बहुत फ्लैट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं कि हम वर्ब के दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिलेशंस को देख रहे हैं, दूसरे एलिमेंट्स को एक्सपेंड नहीं कर रहे, तो पहले वर्ब के रिलेशंस खत्म हो जाएं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आगे चल के नाउन के रिलेशंस क्या हैं और नाउन फ्रेज किस तरह से बनता है। पोस्टपोजिशनल फ्रेज को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस नेक्स्ट टाइम करना पड़ेगा, लेकिन उसकी भी मजीद एक्सपेंशन नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अच्छा, एक चीज जो रह गई थी, अगर ये हमने, मैंने जो बताया कि अगर आप खुद से बना रहे हैं डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर, तो बेहतर तरीका यह है कि आप एक्सेल फाइल में बनाएं और उस एक्सेल फाइल को इस्तेमाल करें। बाद में ये एक्सेल फाइल कन्वर्ट हो जाती है टैब सेपरेटेड फाइल में, आप इसको फाइल जाकर और फिर डाउनलोड, अगर डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो उसमें सेव एज आएगा और उसमें आप आके इसे टैब सेपरेटेड वैल्यूज में डिलीट कर दिया। सीएसवी जो होता है वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होता है कि एक रॉ में लिखी हुई चीजों के दरमियान में जो सेल वैल्यूज है उनके दरमियान में कॉमा लगा देते हैं, टैब सेपरेटेड वैल्यूज में टैब्स होते हैं, तो इसको टैब सेपरेटेड वैल्यूज में आपने वो कर दिया। और उसके बाद यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज पे हम वापस आ जाते हैं और वो जो फाइल डाउनलोड हुई है क्या वो सही है या उसमें कोई एरर नहीं है, तो हम उसे व्यूअर में खोल के देख सकते हैं और उसे समझना भी व्यूअर में आसान होगा। तो आपने ये व्यूअर क्लिक किया, चूज फाइल, चूज फाइल करके ये डाउनलोड्स में फाइल पड़ी हुई है, cgu2.tsv ये पड़ी हुई है। तो वो लोड कर ली तो आपके पास उसमें जितने भी सेंटेंसेस थे उनके, जितने भी हमने स्ट्रक्चर कॉर्नेल फॉर्मेट में बनाए थे उनकी डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स की व्यू फॉर्म आपको मिल गई, जो हमारे लिए समझना आसान है। तो ये साथ के साथ सेंटेंसेस किए हैं। तो आज का ये सेशन ख़त्म हो गया। जब हम नॉर्मली डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त रिकॉर्डिंग स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी, तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने इसे दोबारा से रिकॉर्ड किया है ताकि हम
बेहतर तरीके से इसे देख सकें। नेक्स्ट सेशन में हमने मैंने जैसे कहा कि हम नॉर्म वर्ब के मजीद डिपेंडेंस देखेंगे कि एक्सकॉम क्या होता है, आई ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्लिक क्या होता है, उसके अलावा केस क्या होते हैं।